समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच जो गठबंधन है, क्या उसने वाकई कोई आशा की किरण जगाई है? मोदी और बीजेपी वोट मांग रही है मुसलमान के खिलाफ। क्या वोटिंग कब है? 6 मई। वो पटना से है। हम तो ट्रक ड्राइवर हैं, हमारा नाम बबलू तिवारी है। गैस का चूल्हा मिला? नहीं मिला है। तो नवयुवक है, ये ग्रेजुएशन करके क्या कर रहे हैं बताइए, मोदी जी का राज। इसमें तो मैडम दोनों की टक्कर है, प्रज्ञा ठाकुर है और दिग्विजय है। मैं तो मैम यही चाहती हूँ कि मोदी जी आए। का स्वागत है पल्स ऑफ इंडिया। जनता की नब्ज को टटोलने के लिए हम पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। भोपाल में चुनाव दो ध्रुवों के बीच में है, दो तरह के भारत के बीच की लड़ाई यहां पे दिखाई देती है। एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर हैं जो भाजपा की उम्मीदवार हैं, जिनको संघ पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं की उम्मीदवार वो बताई जा रही हैं, जो बेल पर रिहा है, जिनके ऊपर मालेगांव ब्लास्ट का आरोप है। और मालेगांव ब्लास्ट से पहले भी यहाँ शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी, पहली बार उनकी गिरफ्तारी एक हत्या के सिलसिले में हुई थी। और उनका पूरा का पूरा चुनाव प्रचार हिंदू ध्रुवीकरण पर है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह के बारे में जो पूरा प्रचार अभियान भाजपा और संघ ने कर रखा है, वह यह है कि वह भगवा आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, उनको एक हिंदू विरोधी नेता के तौर पे प्रचारित प्रसारित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के बीच भोपाल की जनता, भोपाल में जो वाल्मीकि समाज है वह, जो श्रमजीवी समाज है वह, जो पढ़ा लिखा समाज है वह, किस तरह से सोच रहा है, उनके क्या मुद्दे हैं, वह जो दो भारत के बीच में लड़ाई हो रही है उसे कैसे देख रहा है, इसे टटोलने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। इसमें तो मैडम दोनों की टक्कर है, प्रज्ञा ठाकुर है और दिग्विजय हैं। हिंदू मुसलमान ये जाति पाति की जो बात करते हैं वो गलत है, कि भाई इंसान सभी है, सब एक देश में रहते हैं, सबकी हक बनता है कि अपनी मर्जी से जिए, है कि नहीं। हमको जिसको चुनना है वो चुनेंगे, किसी की इसमें दबाव वबाव तो होता नहीं है, ये बात है। अब वादे तो बहुत बड़े बड़े करके गए, ये वो फ्री में मतलब वो खुलवाया खाते, इसमें दो दो लाख रुपया आ रहा है गरीबों की, आज तक 2 रुपया नहीं आए किसी की, अब किस बात को मानोगे। अभी तो दोनों पक्ष का ज़्यादा ही दिख रहा है, कभी ज़्यादा मोदी का दिख जाता है, कभी कांग्रेस का भी दिख रहा है। मोदी के बारे में कैसे पता है आपको? उन न्यूज में देखते हैं उनको ज़्यादातर। तो हमारे तो साइबर शुरू से ही कांग्रेस को जाते हैं। कांग्रेस के पक्ष में लोग हैं यहाँ पर? हाँ बहुत 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 हैं। आपने देखा है? हाँ देखा है। कहाँ देखा? यहीं से इतने सारे लोग जाते हैं रैली निकलते हैं। रैली देखी है? हाँ। कौन कौन लोग ज्यादा आते हैं कांग्रेस के? क्या? कांग्रेस का जब प्रचार चलता है तो कौन कौन लोग ज्यादा आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। आपके क्लास के दोस्त आते हैं? बहुत सारे लोग। प्रज्ञा ठाकुर के बारे में यदि बात करें तो शोर तो नहीं हूँ, शायद वो भगवा से रिलेटेड है शायद, इसलिए वो जो मतलब क्या बोलते हैं अभी क्या नाम है सीएम का अभी तो भोपाल से कौन लड़ रहा है, दिग्विजय सिंह ने बोला था ना कि भगवा जो है वो आतंकवाद से रिलेटेड है आई थिंक, तो इसलिए उसके कंपैरिजन में एक भगवाधारी को ही मतलब उतारा गया है अभी तक हमें जहाँ तक नॉलेज है। ये समस्या है, इधर पानी की बहुत कमी है। पानी नहीं है? हाँ पानी नहीं है, टैंकर आता है तो पानी पूरता ही नहीं है। हाँ, आप तो वोट डालती हैं? हाँ वोट डालती हूँ। यहाँ पर किसका नाम ज्यादा है, किसको वोट आप पहले डालती थी, अभी किसको डालेंगी? हम तो हमेशा कमली में वोट डालते हैं। तो कमल को क्यों डालते रहे और कमल से क्या फायदा रहा आपको? अब सब लोग डालते हैं तो हम भी डाल देते हैं। अच्छा कोई फायदा नहीं रहा आपको? फायदा कहाँ रहा, 400 रुपए 450 रुपए की गैस थी, वो आज जाके 800-900 रुपए की भरा रही।
महंगी और बढ़ते जा रहा महंगाई। यहाँ पे ज़्यादातर समस्या पानी को लेकर है। पाइपलाइन तो बिछ गई है लेकिन वहाँ कनेक्शन नहीं हुआ है, कनेक्ट नहीं किया कहीं से। क्यों? कहते हैं कि ठेकेदार को काम दिया था, पैसा नहीं मिला है ऊपर से ठेकेदार को, इसलिए ठेकेदार ने काम छोड़ दिया। तो कहीं अधूरा काम छूटा हुआ है, कहीं पे पाइपलाइन बिछी है, कहीं नहीं बिछी हुई है। काफ़ी जगह, मतलब ये सनखेड़ी में भी यही हाल है, यही हाल आपका बांसखेड़ी में है, और यही हाल आपका भोपा नगरी में है कि एक गली में आपका पाइपलाइन हो गया, एक गली में हुआ ही नहीं। सड़क का ये है कि सड़क बनी हुई है, अब इन लोगों ने सड़क बना दी है, अब ये सीवेज का काम करेंगे तो सड़क को खोद देंगे दोबारा, और सड़क बीच में से खुद जाएगी, फिर दोबारा बनने वाली नहीं है। पानी सांसद इनका, विधायक इनका, पार्षद इनका, इधर तो भाजपा के ही है, सरकार भी भाजपा ही की थी, तो फिर सड़क वाला क्यों नहीं हुआ? इनके सड़क के टाइम पे इनका विधायक और पार्षद का ही झगड़ा हो गया था, यहाँ दोनों एक ही हैं, फिर भी उसके बाद झगड़ा होगा, क्यों हो गया पता नहीं। और बारिश के दिनों में ये इतना भर जाता है कि बेचारे बच्चे जो वैन से जाते वो वैन तक यहाँ नहीं आती, बोलती कि वहाँ बाहर पहुँचाओ बच्चों को, बच्चों को गोदी में ले लेके पहुँचाना पड़ता है। गरीबों के कि पट्टा देंगे जुगिन के पट्टा अभी तक नहीं मिलेगा, इतनी बड़ा दे 3 साल जे 15 साल शिवराज रहो, क्या किया जनता? कुछ नहीं किया। अभी आग लगी थी, जब बोले कि एक एक कमरा पक्का मकान बना के दूंगा, फिर बल्ली और चादर दिए, क्या दिए? कुछ नहीं। हाँ तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना जनता के साथ, जो वचन हारो तो पूरा करो, वो नहीं तो बोलो मत। पानी के परेशानी, हर चीज की परेशानी, कुछ भी व्यवस्था नहीं, ये बात ना। अब जनता गरीब लोग पानी भर चार घंटा चैम्बर में बेकुप्पा रखे और हम जे बैठ गए, जे बताओ कि हम पेट पाले कि पानी दे, कुछ तो नहीं है, कहा है? हाथ के पंजे को देते हैं, हाथ के पंजे जी आप बंदस कह देते हैं। यहाँ बस्ती में लोग ज्यादा उन्हीं को दे रहे हैं? हाँ उन्हीं को देते हैं। रोड भी नहीं थे पहले, पानी भी नहीं था यहाँ पे, ये लाइनें भी नहीं, नालियाँ नहीं हैं, ऐसे बहुत से काम है जो नहीं हो पाए, पर उन लोगों ने ये बातें करी थी कि हम जीत जाएंगे वोटों के बाद, इसके बाद काम चालू करेंगे। यहाँ पर ऐसा है मैडम कि जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी का है, तो बीजेपी ने ठीक है बहुत किया है, सब लोग बोलते हैं कि काम किया है, बट मेन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जो SC ST कम्युनिटी है और हमारी सफाई जो कर्मचारी हैं, इनके हितों में आज तक बीजेपी के द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसके तहत उनको लाभ मिले। और कांग्रेस की जहां तक बात आती है तो समझो बहुत कुछ कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के हितों में और हमारे SC ST कम्युनिटी के हितों में बहुत कुछ उन्होंने योगदान दिया है, जिसके कारण कांग्रेस को हमारी SC ST कम्युनिटी सपोर्ट करती है और BJP को सपोर्ट नहीं करती। मैं यही चाहती हूँ कि मोदी जी आए। मोदी जी के आने से क्या क्या फ़ायदा होगा आपको? बहुत फ़ायदा होगा मैम। जैसे फ़ायदा के जैसे कि उन्होंने बोला था कि नौकरी भी लगवाएंगे, भर्ती करवाएंगे और हम लोग को पक्के में करवाएंगे, क्योंकि हम लोग कच्चन में नौकरी करते हैं अभी। हम लोग को क्या फ़ायदा होगा आपको? अब फ़ायदा तो हुआ भी है और कुछ भी नहीं हुआ है। अब 5 साल में फ़ायदा यही हुआ है कि अभी गैस भी मिल गए हैं और लैट्रिन वैट्रिन भी बन गए हैं, जिसके घर में नहीं था। अब पहले से ही थी मैम मेरी, थे आपके पहले से? तो पहले किसने बनवाई थी? वो घर पे बनवाई थी हम लोग ने अपने ही पैसों से। अपने पैसे से? हाँ अपने पैसों से बनवाया था। वाल्मीकि समाज जो है वो पहले थोड़ा सा BJP पे विश्वास किए थे, परंतु जैसे मध्य प्रदेश में 15 साल BJP रहने के बाद वाल्मीकि समाज का कुछ भी भला नहीं हुआ, सफाई कर्मचारियों का कुछ भी भला नहीं हुआ। अब इन 5 सालों में सेंटर ने भी कुछ भी वाल्मीकि समाज सफाई कामगारों के लिए नहीं किया, बहुत परेशान है। तो वाल्मीकि समाज तो अभी जो है कांग्रेस की तरफ उसका मूव हो रहा है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो हुआ हाल, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं कहा, इस वजह से लेके जो SC के लोग हैं काफ़ी नाराज़ हैं, इस वजह से भी वो BJP को वोट नहीं देना चाह रहे। इस बार जो इंदौर का चुनाव है, मुझे लगता है कि 70% कांग्रेस एंड 30% BJP, उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे जो शंकर ललवानी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो इसके पूर्व
इंदौर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष थे और जनता को पता है कि इस बार पिछले 5 सालों में जो भाजपा सरकार है वहाँ की जो महापौर है उसने पूरे शहर में जो है काफ़ी तोड़ा फोड़ी की है विकास के नाम पर। गरीबों के आशियाने उजाड़े हैं, उनको 15-15 किलोमीटर दूर उनको कच्चे मकान बना के दिए हैं, उनकी रोजी रोटी पे संकट है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव का जो पक्ष रहेगा वो 70% कांग्रेस पर रहेगा और 30% बीजेपी का रहेगा। चुनाव में सबसे ज़्यादा मोदी जी का ही चल रहा है प्रचार जी, ये अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए सारे लोग खड़े हैं। बाकी के लोग किसी से अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपन लोग जिनके सपोर्ट कर रहे हैं वो मोदी जी हैं। क्या क्या आपको मिला 5 साल हो गए मोदी सरकार में, इन जो वादे थे उसमें से क्या क्या मिले आपको? अभी तो कुछ नहीं मिला, ये सब बहुत सी चीजें हैं जो मिले भी हैं लोगों को और नहीं भी मिले। गैस गैस की मतलब यहाँ किसी को भी मिला है 15 लाख रुपए? बस गैस कनेक्शन मिला है लड़कियों को। अब मैं क्या बात करूँ भैया, आप बता रहे थे कि 15 लाख रुपए मिले आपको? नहीं मिले आज दिन तक हमारे मोहल्ले में किसी को नहीं बांटे पैसे। पैसे नहीं बांटे? हाँ, खाली वादा जरूर करा, अपन किसी को कुछ नहीं बांटा, खाली ये जरूर कह के गैस की टंकी जरूर दी थी उन लोगों ने। बस गैस की टंकी कितने में मिली? हाँ, नहीं फ्री में दी थी गैस की टंकी, फ्री में मिली थी। दोबारा क्या बोलते, वापस ये कहते हैं कि वापस जमा करो, तो वापस गैस की टंकी जमा करने की बोला था, पर अभी तक जमा नहीं हुई। हाँ, अभी तो आपको दोबारा 800 रुपए देने पड़े होंगे ना भरने के लिए? हाँ, भरने के लिए 800 रुपए दे रहे हैं। वो गैस की टंकी ले जाते हैं तो 800 रुपए दे के फिर ही गैस की टंकी भरती है हमारी। दोबारा फ्री में नहीं मिला? हाँ नहीं, बड़ी दे के छोटी दी है, फिर छोटी दी है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी टंकी आई है मतलब 10 लीटर की। कितने रुपए की? वो ही 800 में दिए मतलब। तो ये बताएं कि पिछले 5 साल में महंगाई कम हुई है बढ़ी है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जैसा का जैसे ही है, कोई फर्क नहीं दिख रहा हमको तो। क्या क्या फायदा मिला आपको? कुछ भी फायदा नहीं, हमें तो राशन कार्ड तक बना नहीं, बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा है, सब परेशानियां झेल रहे हैं, हमें तो कोई फायदा नहीं है। हम तो राशन कार्ड के लिए भी बहुत परेशान हो चुके, नहीं बन रहा, 12 दफ्तर भी चले गए, सब कुछ कर लिया लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं ना, बिल माफ हो रहा है हमारे। यहाँ से तो जो पार्षद हैं और जो विधायक हैं और जो सांसद हैं वो सब भाजपा ही कह रहे हैं ना? कोई नहीं सुनते, कहीं भी चले जाओ, हम तो सब दूर जाके देख लिया, हमने कोई नहीं सुनता है। हम तो नगर निगम में नौकर हैं। पक्का है काम आपके पास? बाकी के हमारे घर में पूरे बेरोजगार पड़े हैं, लड़कों को नहीं है ना बंगों को नौकर चाकर नहीं। अब एक कमाई में हम खाएंगे, हमारे बच्चे पाले, किसी के पास काम नहीं है, कोई के पास नहीं है, लड़के भी बेरोजगार बैठे हैं, बंगे भी बैठे हैं बेरोजगार। मोदी जी ने तो 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को नहीं मिली। ऐसा तो कहते ही रहते हैं, सब नेता कह जाते हैं और करते कोई भी नहीं है। यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, अभी पानी का कनेक्शन नहीं आया है, यहाँ पर टैंकर आता है, लोग तो बता रहे हैं कि टैंकर आता है, आप लोग टैंकर से पानी नहीं लेते? नहीं, जो लेडी से जाते बुलाने उनको भरने देती, लड़ाई होती, हम बुलाने नहीं गए थे, हम बोलने नहीं गए थे नगर पालिका। आपको भरने नहीं देते? नहीं, वो किचकिच होते कि गई नहीं थी, हाँ बोलती है लेडी से, टाइम नहीं मिलता घर पे, नहीं तो वो पता नहीं कब चली गई बुलाने। लड़ाई होती लेडी से, उन्हें पानी भरते नहीं, पाँच पाँच चाहिए उनको भर पाती होगी, एक दिन के बाद आने लग जाती। ये सब आपके घर का है? हाँ। रोज भरती है इतना? फिर रोज भरना पड़ता, सुबह शाम दोनों टाइम पानी वैसे ही पड़ रही है, 10-20 रुपए लग जाते नहाने धोने में, कूलर में दोनों टाइम भरना पड़ता है। दोनों टाइम सुबह भी और शाम। देखिए, जनता की नब्ज़ जो देखने में और जो बातचीत करने पर जो महसूस हुआ है वो ये हुआ है कि कांग्रेस बढ़त में होगी, लगभग 15-16 सीटें जो हैं कांग्रेस के पास आएंगी। इसके पीछे कारण ये है कि जो अंतर ये है कि शहरी मतदाता और ग्रामीण मतदाताओं में एक बड़ा अंतर सामने आ रहा है। शहरी मतदाता जो है राष्ट्रभक्ति और देश हित को मोदी जी के आने के पक्ष में अपने को महसूस कर रहे हैं कि उनको वोट देना चाहिए। ग्रामीण मतदाता जो है वो किसानों के मुद्दे और ज़मीन और जंगल के मुद्दों को लेकर के जो है भाजपा के विरोध में जाने की तैयारी में है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी जीतेंगे यहाँ पर,
ऐसा इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही थी वो बड़े पैमाने पे हो नहीं सका है, और इसके पीछे कारण ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी का अपना जो व्यक्तिगत पहचान है और नर्मदा जी की जो यात्रा पिछली बार उन्होंने किया है, और इस समय जो हमेशा मतलब मंदिरों से ही उनकी शुरुआत हो रही है और मंदिरों पे ही वो समाप्त कर रहे हैं अपने अभियान को, तो इसलिए जो है ध्रुवीकरण मुश्किल लग रहा है। दिग्विजय सिंह जी की उम्मीदवारी के बाद ही भोपाल हाई प्रोफाइल हुआ है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो विकास रुका हुआ है भोपाल के साथ जो छलावा हुआ है जो उसको नुकसान हुआ है वो दूर हो, और वो यदि भोपाल को और आगे बढ़ाना है तो वो काम केवल दिग्विजय सिंह ही कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूँ कि मैं एक सामान्य चुनाव लड़ रहा हूँ और भाजपा का उम्मीदवार कौन हो वो मैं तय नहीं करता। झीलों की नगरी भोपाल में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह और प्रज्ञा ठाकुर के बीच लड़ाई बहुत तीखी है। दिग्विजय सिंह प्रचार प्रसार में काफ़ी तेज़ हैं, हर जगह उनके बैनर होर्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रज्ञा ठाकुर के लिए जो आरएसएस का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है वह बहुत ही गुपचुप ढंग से बूथ लेवल पर काम कर रहा है, ऑपरेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ भाजपा समर्थक भी प्रज्ञा ठाकुर के बजाय बात सिर्फ मोदी की कर रहे हैं। मोदी ने अपना प्रचार प्रसार जितना नीचे पहुंचाया है और जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है वह बहुत ही खतरनाक भी है और भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गहरी और बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि यहाँ पर भोपाल में जिस तरह से दो हिंदुस्तान के बीच में लड़ाई है कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, वह किस दिशा में जाएगी, क्या जो भगवा आतंकवाद का आरोप जिस पे लगा हुआ है वह संसद जाएगी और उसको उसके पीछे जो पूरी मशीनरी सक्रिय है जो चाहती है कि भारत का भविष्य उधर ही जाए, क्या वह विजयी होगी, या दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं, यहाँ सिर्फ मामला कांग्रेस का नहीं है दिग्विजय सिंह के प्रचार प्रसार में, उसी तरह से देश भर से लोग आए हुए हैं। जैसे हमने देखा था कि बिहार के बेगूसराय में लोग उतरे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि भगवा आतंकवाद की आरोपी को, प्रज्ञा ठाकुर को, जिस तरह से भाजपा पहुंचाना चाहती है संसद में और देश के सामने एक संदेश देना चाहती है, उसे चुनौती देने के काम के लिए कई ताकतें यहां सक्रिय हैं। इन ताकतों को विजय मिलेगी या जो भाजपा और आरएसएस के जो मंसूबे हैं वो सफल होंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि भाजपा को ज़मीन पर बहुत तगड़ी और कड़ी चुनौती भोपाल की जनता दे रही है।